अगर कोई साजिश कर रहा होता, कोई हिंदू धर्म के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा होता, कोई कंट्री के खिलाफ कोई प्लानिंग हो रही होती, जिस तरह एपी सिंह साहब बार बार कहते हैं उस चीज को हवा देते हैं, तो क्या आप सब हम या कोई ना कोई तो बीच में उठ चुका होता, जांच एजेंसियां उसको उठा के ले जा चुकी होती कि भाई तुम ये हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो, कि या फलां का सर जो है वो तम से जुदा करना चाहते हो, या हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करना चाहते हो, क्योंकि वो भी जानते हैं अच्छे से कि एपी सिंह साहब सिर्फ और सिर्फ ये स्टंट खेल रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं प्रूफ करने के लिए। सीमा या सचिन भी सिर्फ स्टंट खेलते हैं, झूठ और मकार के अलावा इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये सिर्फ उनके पास अपने केस में कुछ है नहीं, ये बार बार एक ही बातों को दोबारा रिपीट कर करके इस तरह किया, मतलब ये 1 साल पहले बात की थी आज भी वही कर रहे हैं। इदारों को, डिपार्टमेंट्स को, शासन प्रशासन को ये सारी बातें पता है, केस सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ उनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो कार्ड प्ले करते हैं ना, ये लो लेवल पर तो प्ले हो सकता है कि पुलिस स्टेशन तक, ये रबुपुरा की पुलिस स्टेशन है या जीवन नगर की, वहां पे ताल्लुकात पैसा देकर चल सकता है, लेकिन जब ये केस आएगा ना अदालत में, तो डेफिनेट सी बात है वहां पर इसको उस एंगल से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जैसे भी है आखिर एक पूरा सिस्टम है, कोर्ट है, एक निजाम है, किसी हद तक तो ये काम चल सकता है, किसी हद तक तो ये कार्ड को प्ले किया जा सकता है, करते रहे हैं और उन्होंने तब अभी तक फायदा उठाया है, लेकिन ये उनको भी पता है कि अगर आज 6 घंटे की जो जांच हुई है तो कल को ये जांच मजीद होगी, ये बार बार बुलाया जाएगा, बार बार पूछा जाएगा और उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये मुश्किल वक्त है, नो डाउट, ये लग हमें इस तरह रहा है कि टाइम गुजर नहीं रहा, क्योंकि लो लेवल पर अभी इस मामला है, जब ये मामला फर्दर आगे बढ़ेगा तो फिर आप देखिएगा कि मामला जो है वो और तरह से डील होंगे, फिर एपी सिंह का ये कार्ड प्ले नहीं हो सकता, फिर ये कहे ना कि मैं जो है वो तो आ गया था, प्यार में आ गई थी, तो वो पूछेंगे प्यार में आ गई थी तो प्यार में आने के और भी तरीके थे, लीगल भी तरीके थे, वो लीगल तरीके क्यों नहीं किए, प्यार में आ गई। अभी बहुत सारी आप वीडियोस देखते हैं कि लोग जो है वो दुबई में या बाकी कंट्रीज में इंडियन पाकिस्तानी का प्यार हो जाता है, जाहिर सी बात है हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारा ही सिलसिला सेम है, लेकिन वो मैरिज भी होती है, उनको वीजाज भी मिलते हैं, एक प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस किया जाता है, तो वो क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यही पर आएगा कि एपी सिंह के पास इसके अलावा तो कोई और जवाब है ही नहीं कि प्यार में आ गई थी, तो भाई प्यार में आ गई थी तो आई तो फिर की वो तो कहती है मैं गलती से आ गई थी, रोज कोई ना कोई बयान, रोज कोई ना कोई गलती, रोज कोई ना कोई मामला, तो ये जितने भी इनके जो फेक हैं बातें हैं, ये फर्जी किस्म की चीजें हैं, ये अज्यूम कर लिया गया मोहब्बत में आ गई, वो राम लैला की और फलां की कहानियां जो ये सुना देते हैं, ये कहानियां फिल्मों की हद तक तो बहुत अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये काम नहीं है, और यहाँ पर तो केस जो है वो अदालत पे है, और अदालतें जो होती हैं वो फर्जी कहानियों पर या दास्तानों पर नहीं चलती कि कितनी अच्छी वो स्टोरी थी, और उसको स्टोरी को सुन के जज साहब जो कहेंगे वाह 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 क्या बात, कमाल कर दिया आपने, तो वहां पर एविडेंस की बात होगी, वहां पर तो वक्ती तौर पर हमें जरूर लगता है। अभी बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स भी कर रहे थे कि बहुत ज्यादा ओवर हो गया है, थक गए हैं कि मौजू को बात करके, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि थकना है, बनता नहीं है ना, जब तक आपने किसी चीज से आउटकम नहीं लिया, इतनी आपने एफर्ट पुट कर दी, इतना सब कुछ कर दिया है, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि हम थक गए हैं, तो ये थकना अभी बनता नहीं है, ये तब तक नहीं थकना बनता जब तक हमने जो कोशिश की है उसको सर तोड़ना चढ़ा ले, जब तक हम गुलाम हैदर साहब के बच्चे इंडिया से पाकिस्तान ना पहुंचा दें, हमें थकने का कोई राइट नहीं है, ना मुझे ना आपको ना सरिता जी को, कुछ लोग ठीक है जाती मसरूफियत की वजह से लेट हो सकते हैं, नहीं जो है वो लाइव कर रहे या कोई मामला, वो एक अलग मैटर है, बट ऐसा नहीं है कि वो इस वजह से कि जी कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं, कुछ लोग जो है वो हमारे खिलाफ कोई कंपेन करना शुरू कर गए हैं, इन सारी चीजों का कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज जब आपका मिशन बहुत बड़ा हो ना, जब आपका फोकस हो, जब आपका मकसद बड़ा हो, तो फिर ये छोटी मोटी चीजों को निग्लेक्ट और इग्नोर ही किया जाता है, तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि ये केस फॉर द टाइम से इसकी लो पेस है, उस तरह से फास्ट पेस में मूव नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए था, और उसकी रीजन हम सबको पता है, लेकिन ये केस जिस सेंस में चल रहा है वो ठीक राइट है, वो कहते हैं ना कछुए की चाल है खरगोश की नहीं, लेकिन रास्ता तो सीधा है ना, कोर्ट की तरफ तो जा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना हुआ कि हम लोगों की डायरेक्शन ही डिफिकल्ट और हर आए दिन में हम जो है वो केस को दूसरे एंगल से देख रहे हो, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।